मौसम के अलग अलग फैक्टर्स की वजह से दिल्ली के लोगों को इस बार सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। सीपीसीवी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो साल की तुलना में इस बार प्रदूषण ज्यादा है। इस बीच दिल्ली सचिवालय में दिल्ली पॉल्यूशन समिति बोर्ड की 72वीं बैठक हुई। खबर रिपोर्ट के जरिए मौसम के अलग अलग फैक्टर्स की वजह से दिल्ली के लोगों को इस बार सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो सालों की तुलना में इस बार प्रदूषण ज्यादा है। इस बीच दिल्ली सचिवालय में दिल्ली पॉल्यूशन समिति बोर्ड की 72वीं मीटिंग हुई। मीटिंग का नेतृत्व चेयरमैन अश्विनी कुमार ने किया। मौके पर बोर्ड मेंबर अनिल गुप्ता ने बताया कि मेंबर होने के नाते काफी सारे एजेंडे पर चर्चा की गई। मीटिंग प्रमुख रूप से कनॉट प्लेस में लगे स्मोक टावर, आईटीयू सोर्स अप्रोचमेंट स्टडीज, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट और यमुना पॉल्यूशन को कम करने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशन पर की गई। मीटिंग में बात रखी गई कि स्मोक टावर और आईटीयू सोर्स कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि स्टडी थी जिसे दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया। डीपीसीसी मात्र इन स्टडीज में रेगुलेटर के तौर पर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मोक टावर एक फेल प्रोजेक्ट है, प्रदूषण को साफ करने में इससे कोई फायदा नहीं मिला है। सरकार ने इस पर जो पैसा खर्च किया है वो वेस्ट है और डीपीसीसी का इनमें कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। दिल्ली सरकार ने किस वजह से लगाया उन्हें ही इसकी जानकारी नहीं है। आज दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 72वीं बोर्ड मीटिंग हुई। एज ए बोर्ड मेंबर मैंने काफ़ी सारे एजेंडे उसमें लगाए थे जिनमें डिटेल्ड डिस्कशन हुई। मीटिंग को चेयरमैन अश्विनी कुमार जी ने किया। प्रमुख रूप से तीन चार चीज़ें निकल के आई। एक जो कनॉट प्लेस में स्मोक टावर है, एक आईटीओ पे जो सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, एक बायोमेडिकल वेस्ट, एक हैजार्डियस वेस्ट, एक जो यमुना का पोल्यूशन कम करने के लिए जो मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशन की बात हुई। अनिल गुप्ता ने बताया कि डीपीसीसी ने मीटिंग के जरिए यह तय किया है यमुना में गिरने वाले नाले के कारक पर मोबाइल मॉनिटरिंग वैन या स्टेशन को लगाया जाएगा जो यमुना में प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण है। बोर्ड के तहत इन कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने की बात कही गई है। देखिए, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सभी मेंबर बहुत चिंतित आज भी थे, रहे थे। पिछले दिनों से डीपीसीसी की मीटिंग ही रेगुलर नहीं हुई और डीपीसीसी बोर्ड में एक्सपर्ट भी हैं, डीडी से हैं, डीटीयू से हैं, मैं हूं और भी हैं। और संवैधानिक रूप से जो वाटर एक्ट के तहत डीपीसी बना, हर 3 महीने में इसकी मीटिंग होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोर्ड मेंबर्स ने चिंता जाहिर की है। पिछले कई दिनों से मीटिंग भी नहीं हुई। संवैधानिक रूप से हर 3 महीने में मीटिंग के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण में कमी लाई जा सके। RRI टोटल TV दिल्ली।